अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैंगरू आए हुए हैं, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। हमने अपने साथियों को बताया था कि ये जगह जो हमने यहाँ से क्लियर की है, यहाँ कैंगरूज बहुत खुशी से आते हैं और सारा दिन ये यहीं रहते हैं। उधर वेजी गार्डन में चले जाते हैं, उधर फ्रूट ऑर्चर्ड में चले जाते हैं और यहाँ पर लेटे रहते हैं। और ये जो ट्री लाइन है, जब ज़्यादा गर्मी हो, धूप हो, तो ये इसके साथ लग के लेट जाते हैं। तो देखते हैं कि हम इनके कितने करीब हो सकते हैं। वैसे तो नहीं इनके बहुत करीब होना चाहिए। और ये जो आगे होकर चल रहा है, ये मेल है, पूरी फैमिली का सरबराह, जो अपना अपना पूरा ख़ानदान लेकर यहाँ पर आया हुआ है। और ये देखते हैं इनकी लड़ाई हो रही है, ज़ूम इन करते हैं। अमूमन तो यहाँ पर हम शाम ढले आते हैं तो इतना क्लियर व्यू नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो है वो आप इनको बहुत साफ तौर पर देख सकेंगे। और बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, वेदर काफ़ी विंडी है और हवा में एक खुनकी है, एक सर्दी है। आप देख सकते हैं किस तरह हर चीज़ भीगी भीगी है। और ये हमको देख रहे हैं, देखें, और सबको पता है कि हम यहाँ पर चल के आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। और इनकी जो उम्र होती है वो 23 साल तक होती है, ये 23 साल तक ज़िंदा रहते हैं, एवरेज समझो इस तरह पर कहा जाता है। और इनकी जो रफ्तार है वो आपको हैरत होगी जानकर कि 56 किलोमीटर पर आवर है। देखा आपने, ये वाला मेल है और सार ये इसके बाल बच्चे हैं, इसकी फैमिली है। तो ये जो हैं ये हर्ड्स में रहते हैं, 50 कैंगरूज बाज़ दफ़ा एक हर्ड में होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और इन में जो फीमेल्स हैं वो उनके पास एट अ टाइम 3 जोईज हो सकते हैं। एक वो जो दूध पी रहा है, चिपका हुआ है, जो दूध की टीथ से अपना मुंह नहीं हटा सकता, इसके बारे में भी अभी बताते हैं। और एक होता है जो बाहर निकल के थोड़ी बहुत घास खाना शुरू कर रहा होता है, और एक होता है जो उसके पेट में बैठा हुआ होता है पॉज मोड में। तो अगर कोई कैंगरू उनमें से कोई जोई या जो बेबी है या जो टीथ पे लगा हुआ है या जो निकल के थोड़ी बहुत घास खाना शुरू कर रहा है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है या मर मरा जाता है, तो जो पॉज में बैठा हुआ जोई है अंदर, वो फिर जल्दी जल्दी बड़ा होने लग जाता है, उसकी बारी आ जाती है एक तरह से फलने फूलने की। तो एट अ टाइम 3 कैंगरूज जो हैं वो एक फीमेल मम के अंदर होते हैं। तो जब ये पैदा होता है तो मुश्किल से 2-2.5 सेंटीमीटर का होता होगा। तो ये पैदा होके और बालों में से चिपक चिपक के आता है पाउच में। तो पाउच का पता ही होगा आपको कि जो सामने पेट में बनी हुई एक थैली होती है, इनमें से किसी के पास बेबी नहीं है। ये मेल है एक और उसकी फैमिली है, इसमें फीमेल्स हैं, इसमें बेबीज जो है वो बड़े हो चुके हुए हैं, लेकिन इनके पास अभी पाउच में नहीं है कोई ऐसा कि हम आपको दिखा सकें। वरना जब इनका जोई होता है तो इनका पेट मोटा दिखाई देता है, पाउच जो है वो दिखाई देती है। इसमें एक और मेल भी हमें दिखाई दे रहा है, जो पीछे जो सेकेंड लास्ट इसमें खड़ा हुआ है वो भी मेल है। तो अभी हम थोड़ा सा और करीब होते हैं तो शायद ये है कि हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर पता लग सके। तो एक ही उम्र के, एक ही साइज़ के मेल्स का पाया जाना एक टोली में बहुत ही मुश्किल से होता है, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं। तो बहुत से मेल्स जो हैं वो एक टोली में नहीं रह सकते, तो एक मेल होता है और ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं। हाँ, उनमें उनके बेटे वगैरह हों, कुछ जो दरमियानी उम्र के हों तो वो मौजूद होते हैं। तो 2 फैमिली के सरबराह जो हैं वो इनमें भी नहीं होते। कैसे ये हमारी तरफ देख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम आगे हो रहे हैं। इनकी रीच में नहीं आना चाहिए, ये मारते हैं और मारते इस तरह हैं कि ये जो नीचे वाली टांगे हैं, एक तो ये हाथों से भी लड़ते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले क्लिप्स में वीडियोस में दिखाया हुआ है कि ये आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को हाथों से मार रहे होते हैं। उसके बाद ये अपनी टेल पे खड़े होकर जो अपनी टांगे हैं जिस पे कि ये कुर्सी की तरह खड़े हुए हैं वो हिट करते हैं एक दूसरे के पेट पे भी, और इंसानों को भी ये यूँ मार सकते हैं। तो आपने देखा पीछे एक घास में से सर निकाल के देख रहा है, इतना क्यूट सा। और इनकी जो मालूमात है वो बहुत दिलचस्प है। इनके गोश्त में फैट बहुत कम होता है, इनकी सॉसेजेस वगैरह भी मिलती हैं, इनका मीट भी मिलता है, हमने कभी नहीं खाया,
और हमें पसंद भी नहीं है इस जानवर को मारना, लेकिन अमूमन जब ये लेटे हुए हों तो एकदम ऐसे लगता है कि हिरन लेटा हुआ है, जैसे कान है, जैसा फेस है, तो लगता है हमें कुछ ना कुछ इसमें और हिरन में मुशाबहत है। लेकिन जितना हुस्न इसकी छलांग में है, इसकी एक वॉक में है, वो आपको टाइगर में दिखाई देता है सिर्फ, जिस तरह वो एक लंबी छलांग लगाता हुआ। इनकी जो छलांग है वो हमारे ख्याल में, अब हमने पहले का कहीं पढ़ा हुआ है कि 6 मीटर तक होती है। मुमकिन है कि हम गलत हों, जिन्होंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करनी है वो इसके बारे में कर सकते हैं। और जब इनके जोईस का मौसम आएगा फिर हम आपको इनके जोईस जो हैं वो भी दिखा सका करेंगे। तो एक ये बहुत खूबसूरत है और एक बैट्स बहुत प्यारी हैं, हमने बैट्स की कॉलोनी भी देखी हुई है। यहाँ ही हमारे घर के थोड़ी दूर एक कॉलोनी है दरिया के किनारे पर, वहाँ पर लोग जो हैं वो बसते हैं, घर हैं, लेकिन वो बिल्कुल चूँकि दरिया के किनारे पर है तो लोगों के घरों का जो बैकयार्ड है वो नीचे रिवर तक जाता है। तो उस बैकयार्ड के पास और बैट्स जो हैं वो मोस्टली ऐसी जगह पर रहना पसंद करती हैं जहाँ पर पानी हो। तो ये जो अपनी बॉडी को स्क्रैच कर रहा है ये हमको वार्न कर रहा है, ये बता रहा है कि हम इनसे दूर रहें। ये बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रहा है हमसे कि ये मेल है और ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और हम इसकी फैमिली के बिल्कुल करीब ना आए। और वो देखें पीछे, वो दोनों जो हैं वो तैयारी पकड़ रही हैं आपस में लड़ने भेड़ने की। तो बड़े ही क्यूट लगते हैं जब सनसेट का वक्त होता है निकलते हैं। आज इस वक्त अगर एक नॉर्मल दिन होता, एक ऐसा दिन होता जबकि ओवरकास्ट ना होता, तो ये सारे दरख्तों के बीच में बैठे होते। ये देखिए ये जो ट्री लाइन है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये जो 6 बे शेड है उसके साथ, और ये बैठे होते हैं बिल्कुल इधर इधर साथ साथ दरख्तों के। और ये छोटा वाला जो है ये देखिए हमें आगे होके देखने आया, तो दो छोटे छोटे जो हैं वो तो हमारे आपने फ्रूट ऑर्चर्ड की सैर में भी देखे होंगे जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं। और ये जो बड़ा मेल कैंगरू है, माली हमें बता रहा था कि इसने बड़े जामन के नीचे अपनी बैठने की जगह बनाई हुई है, तो पूरे पत्ते वगैरह हटा के, तो ये इसको पसंद नहीं आ रहा हमारा। और उधर अहमान मियाँ जो है वो गाड़ी की राइड ले रहे हैं, तो नाना अब्बू के साथ वो गाड़ी में घुस के बैठे हुए हैं और हमारे ख्याल में अमीर भी बैठा हुआ है अंदर, और वो ड्राइव वे पे जो है ना चक्कर लगा रहे हैं। ये देखें तो ये यहीं घूमेंगे, ये हमारे ख्याल में अब सड़क पे निकलेंगे। तो ये सैर हो रही है उनकी, उन्होंने देखा है कि गाड़ी जो है नाना अब्बू ने निकाल के बाहर खड़ी की है और वो फौरन से जो है उसमें सवार हो गए कि उनको भी सैर करनी है। तो बहुत करीब थे हम इसलिए अपना कैमरा उठा लाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही कैंगरूज जो है वो पाए जाते हैं। एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही हसीन चीज़, इनकी जो ये टेल है आपने देखा पीछे कैसे कुर्सी की तरह उस पर इन्होंने सहारा लिया हुआ है। और ये हमें बता रहे हैं, ये जो मेल है बड़ा, ये सारा गुस्सा जो है ये हमें दिखा रहा है। हम भागने के लिए तैयार हुए तो जाहिर है जंगली जानवर हैं, इनके करीब नहीं होना चाहिए। आपको दिखाने के लिए हम आके इनके करीब बैठ गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और आप इनकी रीच में नहीं हो सकते, तो ये आप पर हमला कर सकते हैं ये नहीं। और इनको ऐसे घरों में खिलाना पिलाना भी मना है, और कहा जाता है कि अगर इनका कोई बेबी आपको मिले, कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माँ को गाड़ी हिट कर देती है और बच्चा उसकी पाउच में ज़िंदा होता है, तो ये नहीं कि आप उसको बच्चे को निकालें और उसकी हेल्प करें और उसको दूध बकरी का पिला दें, तो ये बकरी का दूध जो है नहीं पी सकते, ऐसे आम गाय वाय का दूध नहीं पी सकते, इनका अलग ही तरह का दूध होता है। और इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये जो हैं जब दो बच्चों को माँ जब फीड कर रही हो, यानी कि एक वो बेबी जो जेली बीन की तरह पैदा हुआ है बिल्कुल ज़रा सा 2-2.5 सेंटीमीटर का, और आके माँ की टीट को लगा है अंदर पाउच में, वो चल के वो क्रॉल करके बालों को पकड़ पकड़ के आ जाता है पाउच में और आके अंदर दूध को मुंह लगा लेता है। फिर खुदा का निज़ाम ऐसा है कि वो दूध से मुंह हटा नहीं सकता, वो लॉक हो जाता है उसके ऊपर। वो हटा जब सकता है जब वो फल फूल जाता है, जब वो ज़रा बड़ा हो जाता है, जब वो आके दूध को लगता है तो वो दूध से ही लगा रहता है, फिर वो वहाँ से हट नहीं सकता।
और वो जो है जब बड़ा होता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा देर वो बाहर निकलता है पाउच से और फिर जो है दोबारा पाउच में घुस जाता है, फिर निकलता है, फिर घुस जाता है। तो इस तरह से वो थोड़ी बहुत घास जो है, बाज़ दफ़ा माँ ऐसे झुक के खा रही होती है जैसे ये खा रहे हैं, तो बच्चे ने भी मुँह जो है अपना निकाला हुआ होता है सर छोटा सा, और वो नीचे थोड़ी थोड़ी घास खा रहा होता है। इस तरह उसको फिर निकलना आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर माँ जो है हमने देखा कि वो इतनी पेशेंट होती है कि जब उसने बच्चे को बाहर निकालना है, जब वो चाहती है कि बच्चा उठे, और बच्चा पहले तो अंगड़ाइयाँ लेने लगता है, कभी उसकी टांग निकली होती है, कभी उसका बाजू निकला होता है, तो वो स्ट्रेच करता है, तो जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी टांगें बाजू जो है वो पाउच से बाहर ऐसे लटकी पटकी होती हैं, तो मुंह तक बाज़ औकात माँ के जो है टांगें आई होती हैं, इतनी लंबी लंबी बाजू, इतने लंबे लंबे पाउच में से निकल के। फिर जब वो सो चुकता है तो माँ को पता होता है जब वो अंगड़ाइयाँ लेने लगे, हिलने जुलने लगे, कि बस अब उसने उठना है, तो फिर माँ ऐसे अपनी जो झोली है वो ज़मीन को लगा के खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है, और वो जो बच्चा है फिर उसको पता लगता है और वो खड़ी रहती है, और वो पाउच का मुँह खोल देती है। माएँ जो हैं वो पाउच का मुँह बंद कर सकती हैं, वो उनको ये एबिलिटी दी है अल्लाह ताला ने कि जब बच्चा अंदर है तो वो पाउच का मुंह बिल्कुल छोटा सा कर लें, बिल्कुल उसका बाज़ दफ़ा मुंह आपको एक निशान सा ही दिखता है, आपको सुराख नहीं दिखता है। वो जब बड़ा हो जाता है, जब माँ चाहे तो वो अपना उसका मुंह खोल लेती है, तो जब वो मुंह खोलती है और वो खोल के मुंह जो है वो नीचे ज़मीन को लगा लेती है, ज़मीन को लगा लेती है, और उसमें से फिर बच्चा जब जागता है तो खुद ब खुद बाहर गिर जाता है लेटा लेटा, फिर वो ऐसे जागता है थोड़ा बहुत अंगड़ाई लेके झड़प करके बाहर गिरता है, और फिर वो निकल के जो है खड़ा हो जाता है, झाड़ झूड़ के खुजली छुजली करेगा, अपना सर सुर झटकेगा, और फिर थोड़ी मोड़ी चल फिर के वो घास खाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद जब ज़रा इधर उधर से आवाज़ आएगी या उसको अंदाज़ा होगा कि कोई आसपास है तो वो जल्दी से क्या करेगा कि माँ की झोली में फिर घुस जाएगा। तो हमने तो ये नज़ारे यहाँ पर बहुत देखे हुए हैं कि आते हैं कैसे निकलते हैं कैसे बड़े होते हैं, और बड़ी तेज़ी से बेबी जो है वो बड़ा होता है, जोई बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, और वो फिर घास भी थोड़ी बहुत खाने लगता है और दूध भी थोड़ा बहुत पीने लगता है। तो ज़्यादा ज़्यादा जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो माँ की झोली से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारने लग जाता है, ज़्यादा वक्त गुजारने लग जाता है, बड़ा हो रहा होता है, घास ज़्यादा खाने लगता है, दूध कम कर देता है। फिर ये होता है एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसको अपना साथी मिल जाता है, वो और फैमिली में, लेकिन मोस्टली इस तरह के हर्ड्स ही होते हैं जैसे ये कैंगरूज के पाए जाते हैं, तो अकेला अकेला एक एक कैंगरू जो है वो आप आमतौर पर नहीं देखते, जहाँ आपको एक दिखाई दे समझें कि और भी उनके साथ मौजूद हैं। झोली में जो वक्त कैंगरू गुजारता है माँ की, वो 9 महीने का अरसा है, तो उसमें यह है कि छोटा जब बेबी होता है जब तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकता, टीट से वो चिपका हुआ होता है, अलग नहीं हो सकता, फिर उसके बाद ज़रा सा वो बड़ा होता है, बड़ा होता है तो ज़्यादा वक्त जो है वो माँ की झोली से फिर बाहर गुजारने लग जाता है। फिर इस तरह अगलों के पैदा होने का टाइम हो जाता है, दूसरे आके झोली में बराजमान हो जाते हैं, लेकिन एट अ टाइम जो कैंगरू है उसकी झोली में 2 बेबीज़ होते हैं, एक उसके पेट में होता है, 2 उसकी झोली में होते हैं, एक वो जो बड़ा हो रहा होता है जो निकल के थोड़ी बहुत घास खा रहा होता है जो झोली से बाहर भी निकल जाता है, और एक वो होता है जो टीट को चिपका हुआ होता है। तो उन दोनों को 2 टीट से अलग अलग किस्म का दूध पिला रही होती है, उन दोनों का दूध जो है वो डिफरेंट है, बड़े बच्चे का दूध कैंगरू और तरह का पिला रहा होता है और जो छोटे बेबी का दूध है वो कैंगरू और तरह का पिला रहा होता है। तो बड़ी ही यूनिक ये चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, जाहिर है इतना हरा भरा मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क है, और एक हुस्न है, एक ब्यूटी है यहाँ पर, नेचुरल और अनटच्ड ब्यूटी है। हमको लगता है कि जब इंसान कहीं बस जाता है तो जो नेचर की ब्यूटी है वो ख़त्म होने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है इंसान की ज़रूरियात होती हैं, अब आप देखते हैं कि हमको सीवरेज भी चाहिए, हमको वाटर सप्लाई भी चाहिए, हमको कूड़ा फेंकने के लिए भी जगह चाहिए, तो तारें भी चाहिए, बिजली भी आनी है तो के लिए सड़कें भी चाहिए, तो वो जो नेचुरल ब्यूटी है आम जो आपको यहाँ दिखाई देती है वो आम तौर पर देखने में नहीं आती है। तो ये नज़ारे जो हैं ये आपको इसी किस्म के इलाकों में मिलेंगे जो एक रिजिस के जोन हैं, बिल्कुल ग्रीन हरे भरे, कहीं कोई तारे नहीं, कहीं कोई टावर्स नहीं, तो ये हुसन जो है यहीं पर मौजूद है। और हम जैसे इस ब्लॉक पे रहते हैं और हम तो आदि इतने हो चुके हुए हैं कि हम को ये ख्याल भी कि हमारे घर के बराबर में कोई और घर हो या लोग बसते हों या आवाज़ ऊंची ना हो या शोर शराबा ना हो,
ये चीज़ हमें बिल्कुल ही अब गवारा नहीं होती, हमें घबराहट होती है इस सोच से भी। तो एक प्राइवेसी है, एक अपनी दुनिया है जहाँ पर हम आबाद हैं, हरी भरी, जैसे चाहा है वैसे रखी है, और हुस्न है, एक एक खूबसूरती है, एक ब्यूटी है, एक खामोशी है। बहुत कुछ इंसान जो है वो बाहर निकल के भूल जाता है, और हम कीमा आलू चढ़ा के आए हुए हैं, अल्लाह करे कि बहू ने देख लिया हो, पता लगे कि बेचारा जल सड़ के बुरा ही हाल हो गया, पक ही गया था, बस आलू थोड़े से दम किए हुए थे। तो कैंगरू दिखाई दिए सुबह से, देख देख के हम लालच कर रहे थे कि हम अपने साथियों को दिखा सकते कैंगरू। तो वो देखें पीछे कैसे छलांगे लगाते हुए, देखो अपने इनकी जो ऐसी छलांगे हैं ये, बड़ी ही हसीन एक इनकी जो बॉडी शेप लेती है भागते हुए, वो अपना ही एक हुस्न रखती है। तो अभी तो ये घास बड़ी हो जाएगी तो फिर ये बीच में घास के दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये एरिया जो हमने यहाँ से काटा है, बड़ा एरिया काटा है, बल्कि अब हम स्लोप पे भी जाने लगे हैं नीचे की तरफ जहाँ पर एक डैम है, तो पत्थर है वहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं कि हम नीचे से और घास काट लें ताकि वो एरिया जो है क्लियर हो जाए इन कैंगरूज़ के लिए। तो अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ताला ने इंसान को, और इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखे, इनको एक स्पेस दे, जगह दे, जैसे कि आजकल हर तरफ से दरख्त काट दिए गए और बिल्कुल ही इनके लिए जगह जो थी वो ख़त्म हो गई, तक आ जाने से, बस जाने से आबादियाँ बन गई, डिवाइड हो गई। और ये भी इलाका जहाँ पर हम रहते हैं ये एक रूरल एरिया नहीं है, ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो ये एक ऐसा इलाका है जो एक रजिस्टर का हुकूमत ने रखा हुआ है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ले सकते हैं, जो मेंटेन कर सकते हैं वो वहाँ पर रहें, क्योंकि इस इलाके की नेचुरल ब्यूटी जो है वो बरकरार रहे। जो इससे ज़रा सा ही आप आगे चलें तो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, बिल्कुल इसी तरह के जैसे टाउन हाउसेस बने हुए हैं, नीचे किचन है और सिटिंग रूम वगैरह है, और ऊपर जो है वो बेडरूम्स हैं, इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे ड्यूप्लेक्स वगैरह हैं यहाँ पर जो दिखाई देते हैं। तो मुश्किल से यहाँ पर अब जो है वो 200-250 गज का भी प्लॉट, 300 गज का भी प्लॉट जो है उसके ऊपर घर बनाए गए हैं। तो ये और हमारी ही तरफ हम चलें तो ये देख लें आप, ये हमारी तरफ को सारे गैंगा पोरे हैं, ये देखें पूरी टोली देखिए आपने, और ये उधर से चल के आए हैं। तो यकीनन मालिक हम नहीं, मालिक ये हैं, आपको इनके चाल चलन से दिखाई दे रहा होगा, मिल्कियत बिलाशुबा यही रखते हैं। और वाकई जिस तरह की आज़ादी, जिस तरह की फ्रीडम और जिस तरह का एक कॉन्फिडेंस है, हम उठ के खड़े हो गए हैं और ये हमारे सामने विराजमान है, तो पता लगता है कि असल में ये ज़मीन किसकी है। तो ज़ाहिर है इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमने ख़ास कर इनके लिए देखें यहाँ से ये पूरी घास काट के तैयार की हुई है ताकि ये आराम से दरख्तों से निकल के यहाँ बैठ सकें, चूँकि ऐसा एरिया बैठने के लिए ये बहुत ही पसंद करते हैं कि घास कटी हुई हो, नई शूट्स निकलें, ये खा सकें। आपने देखा सारे यहीं हैं, यहाँ खाते हैं आराम से, तो यहाँ निकलते हैं, कोई आने जाने वाला नहीं होता, दरख्तों में से निकलते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, बहुत खुश हैं यहाँ पर ये। तो इनकी ये एक दुनिया है जहाँ पर के ये बसते हैं। तो कैंगरूज से मिलवाने के लिए आपको बाहर चले आए, खुदा करे कि आपको पसंद आए हो और इनसे मुलाकात आपकी अच्छी रही हो। इसके साथ ही हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।